दोस्तों, आज हमारे धरती पर मनुष्य और लाखों प्रकार के जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले हमारे धरती पर विशालकाय डायनासोर और कुछ ही प्रकार के स्तनधारी जीव इस धरती पर थे। और उस समय केवल डायनासोर इस धरती पर राज करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इस धरती से सारे डायनासोर का अंत हो गया? वो कौन सी घटना थी जिसके कारण सभी बेकसूर डायनासोर की मौत हो गई? आज हम इस वीडियो में आपको डायनासोर के इस अंतिम दिन के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ही वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। ये जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब यह डायनासोर हमारी धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे, जब हमारी धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था। तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर राज करते थे। तब हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। रोज शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंगारने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एंड्रॉइड से जा टकराया। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता। यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से ना टकराकर उसके बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर एक सेकेंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था। और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव अंधे हो चुके थे और वह उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड जमीन से न टकराकर पानी में गिरता, तो शायद डायनासोर का अंत ना होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी जिसके बाद 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर गारक की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को भी दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रहे थे। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो गया था। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियाँ खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे,
उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि इसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी, यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर फटाफट 1000 लाइक और 300 कमेंट कर दें ताकि हम अगले वीडियो को जल्दी बना सकें और हमारे चैनल फैक्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।